ज्ञान द प्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको भारत के 9 दुर्गम तीर्थ स्थलों के बारे में बताएंगे। तीर्थ यात्राएं मनुष्य की आस्थाओं की परीक्षा लेता है और हमेशा परीक्षाएं लेती रही। भारत के कई तीर्थ स्थल आज भी बेहद दुर्गम मार्गों पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल का रास्ता ऊंची चढ़ाई, प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हजारों मीटर ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजरता है तो कभी किसी ऊंचे शिखर पर पहुंचता है, जहां पे पहुंचना मतलब अगर आपकी उम्र ज्यादा हुई है तो पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। विषम जलवायु, जानलेवा मौसम के बीच हर साल यह तीर्थ स्थल भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक जनता को तमाम खतरों के बाद भी आकर्षित करती है। यहाँ हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं, जिनमें से कई गंभीर बीमार का शिकार होकर दम भी तोड़ देते हैं, कई दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, कई कुदरत के अचानक बदले तेवर के वजह से असामयिक मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं भारत के 9 ऐसे तीर्थ स्थल जहां जाना एक तरह से मौत को हाथ में लेकर चलने के बराबर है। शिखर जी, आपने नाम शायद सुना होगा। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। 1350 मीटर मतलब 4430 फीट फुट ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर से हर साल लाखों जैन धर्मावलंबियों जो है वो लोग आते हैं। गिरिडीह स्टेशन से पहाड़ की तलहटी मधुबन तक 14 से 18 मील दूर है। पहाड़ की चढ़ाई और उतराई की यह यात्रा करीब 18 मील की है, जो बेहद दुर्गम होती है। फिर दूसरा है पावागढ़। गुजरात के प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित पावागढ़ जो मंदिर है वो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई चढ़ना बेहद कठिन है। अब सरकार ने यहाँ पे रोपवे सुविधा उपलब्ध करवा दी है। फिर है नैना देवी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित देवी मंदिर है। ये देवी की 51 शक्ति पीठों में शामिल है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ जाने का रास्ता जो है बहुत दुर्गम है। हालांकि अब तो वहां पर उड़न खटोले वगैरह पालकी आदि की व्यवस्था है और ये समुद्र तल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है बद्रीनाथ। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी के मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय के समुद्र तल से लगभग 3,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7,138 मीटर है। यहां पहुंचने की यात्रा भी बेहद दुर्गम है। हर साल यहां लाखों लोग पहुंचते हैं। फिर है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही उत्तरकाशी जिले में है। यमुनोत्री समुद्र तल से 3,235 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां देवी यमुना का मंदिर है। तीर्थ स्थल से यह 1 किलोमीटर दूर यह स्थल 4,421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यहां 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। यूं इसी तरह गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3,042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिनी ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में बर्फीली पहाड़, ग्लेशियर, लंबी पर्वत श्रेणियां, गहरी घाटियां, खड़ी चट्टाने और शंकरी घाटियां हैं। यह भी काफी दुर्गम स्थान है। इस स्थान के समुद्र तल से ऊंचाई
1800 से 7083 मीटर के बीच में। फिर वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में आता है। यह हिंदू का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर मतलब 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माता के मंदिर में जाने की यात्रा बेहद दुर्गम है। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर मां वैष्णो देवी की गुफा है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से भी आप वहां पहुंच सकते हैं, घोड़ा भी जाता है, पालकी वगैरह भी जाता है वहां पर। सर्दियों में यहाँ का न्यूनतम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का खतरा भी रहता है। फिर है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब सिखों का पावन धाम है। यहाँ पहुंचने की यात्रा बहुत ही दुर्गम है। यह तकरीबन 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा है। पैदल या खच्चरों पर पूरी होने वाली यात्रा में जान का जोखिम भी होता है। गहरी खाई से सटी इस यात्रा में यात्रियों को अक्सर गिरने का डर बना रहता है। पिछले साल खाई में गिरने से ही तकरीबन 2 दर्जन यात्रियों की मौत हो गई थी। फिर है अमरनाथ। अमरनाथ बेहद ही दुर्गम और प्रमुख तीर्थ स्थल है। श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 13600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की यात्रा बेहद दुर्गम प्राकृतिक परिस्थितियों से होकर गुजरती है। यहाँ तापमान अक्सर -1 में चला जाता है और यहाँ बारिश और भूस्खलन कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील और संदिग्ध मानी जाने वाली यात्रा के लिए पहले पंजीयन कराना होता है, जबकि बीमार और कमजोर यात्री अक्सर इस यात्रा से लौटा दिए जाते हैं। इस यात्रा पर भारत सरकार की पूरी नजर होती है और भारतीय सेना के जवान यहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तैनात रहते हैं। फिर है कैलाश मानसरोवर। यह भारत के सबसे दुर्गम तीर्थ स्थलों में से एक है। सन 1962 में चीन से युद्ध के बाद चीन ने इसे भारत से कब्जे में ले लिया। पूरा कैलाश पर्वत 48 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,556 मीटर है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा अत्यधिक कठिन यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा का सबसे अधिक कठिन मार्ग भारत के पड़ोसी देश चीन से होकर जाता है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि वहां वे लोग ही जा पाते हैं जिन्हें भोले बाबा स्वयं बुलाते हैं और यह यात्रा 28 दिनों की होती है। हालांकि अभी तक इस्तेमाल होने वाला लिपुलेख दर्रा बहुत दुर्गम माना जाता रहा है और केवल युवा लोग ही यात्रा कर पाते हैं, जबकि निर्मल अशक्त बुजुर्ग के लिए यह जान जोखिम में डालने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि इसी साल से चीन के उत्तराखंड से ही नाथुला दरगे के मार्ग खोल देने से यात्रा अब आसान हो गई है, लेकिन फिर भी यह उतनी आसान नहीं है। धन्यवाद, मैंने आपको 9 तीर्थ बताए और 9 ही बड़े दुर्गम स्थान पे हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।